बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद समहा। होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे आई एम शेयर विद यू बोंग पाई रेसिपी। आई होप यू गाइस लाइक इट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने एक अदद पैन में 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर बकरे के पाए ऐड कर देंगे 4। इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और ये ऐड कर देंगे हम। पाए ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करना है ऑयल में मीडियम फ्लेम पे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मेरी मामा एज अ गेस्ट आई हैं और ये उनकी स्पेशल रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगेगी। पायों को आपने फ्राई अच्छी तरह करना है ताकि जो इनकी स्मेल होती है वो चली जाए। तो जब तक पाए फ्राई हो रहे हैं तब तक हम अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। ब्लेंडिंग जग में हम एक अदद जो है पूरा लहसुन का गट्ठा होता है वो डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अदरक के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं 4 अदद। और ये डालने के बाद इसके अंदर एक सिप हम पानी का ऐड करेंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाए इस स्टेज पर आ गए हैं। इनको 5 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। अब हम इसी स्टेज पर आके इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। मटन लिया है यहाँ पर हमने 1/2 kg और ये ऐड कर देंगे और इसको भी साथ हम फ्राई करेंगे। तो जब तक पाए फ्राई होते हैं तब तक हमने इसके अंदर जो मसाला ऐड करना है वो बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर 1 अदद फलाफल लिया है और 3 अदद बादियान के फूल लिए हैं। ये ऐड करेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और 3 अदद लौंग के, और साथ में 2 से 3 अदद तेज़पात ले लें आप। अगर आपके तेज़पात बड़े हैं तो आप 2 ले लें, छोटे हैं तो 3 ले लें। और साथ ही यहाँ पर 2 काली इलायची ले ली हैं और 5 से 6 अदद ग्रीन इलायची छोटी वाली वो ले ली हैं। उसके बाद यहाँ पर सौंफ ले ली है 1 टीस्पून। उसके बाद यहाँ पर 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ले लिया है और इसको अच्छे से पीसना है। उससे पहले कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी है वो भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून। तो अब हम इसका मसाला बना लेते हैं। आपने इसको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, दरदरा पाउडर इसको बनाना है। तो इसको जल्दी से हम पीस लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। और जो है तांबिया हमने चेंज कर लिया है क्योंकि हमें वो छोटा लग रहा था, तो ये खुला है, इसके अंदर अच्छे से पाए कुक हो जाएंगे। तो जो इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है वो आपने देखी है कितनी लिक्विडी फॉर्म में है। आपने इसको सॉलिड फॉर्म में नहीं बनाना, जैसे हम बाकी खानों में अदरक लहसुन का कूट के पेस्ट डालते हैं वैसे नहीं डालना। इसके अंदर आपने थोड़ा पानी ऐड करके इसको ब्लेंड करना है और फिर आपने इसको लिक्विडी फॉर्म में इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 अदद प्याज, नॉर्मल साइज़ के, जो मीडियम साइज़ के प्याज होते हैं उनको अच्छे से हमने काट लिया था। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे और प्याज को भी इसके साथ फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज इस कंडीशन में आ गया है, मतलब कि वाइट हो गया है। आपने इसको जो है मेहरून या ब्राउन कलर नहीं देना। और साथ ही अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर, और पेपरिका पाउडर से बहुत ही अच्छा इसके अंदर कलर आएगा। तो साथ ही एक्चुअली हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे 1/2 कप ताकि मसाले जले ना। तो ये देख सकते हैं मसाले डाल के अच्छे से हमने मिक्स आउट कर लिया है और अब हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है।
तो अच्छे से पाया की बनाई हो गई है। अब हम इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे जो हमने पीसा था। तो इसका जो आप देख सकते हैं, इसकी फॉर्म बिल्कुल दरदरी सी है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है। साथ ही इसके अंदर हम योगर्ट ऐड कर देंगे हाफ कप। और अब हम दोबारा इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। मिक्स करो ना। तो इस टाइम बहुत ही खुशबू आ रही है मसाले की, बहुत अच्छी, पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठा है। और मामा के हाथ में मेरी बहुत जायका है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हमने इस स्टेज पे आके इसके अंदर 1 लीटर गर्म पानी ऐड करना है। तो पानी मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं कितना पानी डाला है। और अब हमने इसको लो फ्लेम पे 1 घंटे के लिए कुक करना है। और अब हम इसको कवर कर देंगे 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर अब हम इसको कवर कर देते हैं और इसके ऊपर आप कोई हैवी चीज़ रख दें। और 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। तो यहाँ पर अब हम मसाला रेडी करते हैं जो हमने पाए के ऊपर डालना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने काली मिर्चें ले ली हैं 20 अदद। तो इसको हम कुंडी में डाल देते हैं। और साथ ही यहाँ पर हमने लिया है ज़ीरा 1/2 टीस्पून। और उसके बाद जायफल और जवत्री ली है हमने। जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और जवत्री भी थोड़ी सी ली है। और ये डालने के बाद इसको अच्छे से हमने पीसना है। तो 1 घंटे के बाद हमने पाए चेक किए थे तो पाए टेंडर नहीं हुए थे, तो इसलिए हमने 2 घंटे मज़ीद इसको पकाया। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के पाए हमारे तैयार हैं। आप इसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है, और टेस्ट वाइज भी ये बहुत ही अच्छी बनी है। तो अब लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे मसाला जो मैंने आपके सामने बनाया था, काली मिर्च का, जायफल, जवत्री और ज़ीरा। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। इसके साथ ही अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म मसाला डस्ट कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जायका और मज़ीद अच्छा हो जाता है। इसको मिक्स करेंगे और डिश आउट करके आपसे मिलते हैं। तो तैयार है आज की बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी बोंग पाए की। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो बहुत ही टेस्टी ये बनी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे साथ इसका फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी सारी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।